और खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा होगी और इसी के साथ ही सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही और आज निधन प्रस्ताव यानी कि निधन पर शोक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसी के साथ ही सदन में शोक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। पहला दिन हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार सदन के जतन का जो पहला दिन रहा वो हंगामेदार रहा, जब राज्यपाल विधानमंडल के दोनों ही सदनों के संयुक्त सदन को अभिभाषित कर रही थी उस वक्त किस प्रकार से विपक्ष की ओर जमकर हंगामा किया गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनीष, कल हंगामेदार शुरुआत रही, दूसरा दिन किस प्रकार होने वाला है? देखिए अर्चना, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज महामहिम राज्यपाल के जो अभिभाषण है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रखा गया है। पर देखना होगा कि जिस तरीके से बजट का पहला दिन था और जिस तरह से हंगामेदार रहा है, जिस तरह से वेल में आने की कोशिश की गई थी विपक्ष के द्वारा और लगातार हंगामेदार रहा था और लगातार गो बैक राज्यपाल महामहिम को गो बैक के नारे तक के संबोधित किए गए थे, उसको लेकर लग रहा है कि जो पूरा इस सत्र है ये हंगामेदार ही रहने वाला है और विपक्ष सरकार की नीतियों के खिलाफ उनको घेरने की कवायद करने के नजर करती हुई नजर आएगी। पर हमने देखा था जिस तरीके से जो सरकार थे और जो सरकारी जो भाजपा के जो विधायक थे, जब अभिभाषण शुरू हुआ था राज्यपाल का उसके बाद जब गो बैक के नारे लगे थे तो अभिभाषण के बीच में महामहिम राज्यपाल ने विपक्षी जो विधायक है उनसे कहा था कि समय बताएगा कौन जाएगा, उसके बाद जय श्री राम के नारों से गूंजा था पूरा उत्तर प्रदेश का सदन। सबने देखी तस्वीरें देखी थी और आज भी माना जा रहा है जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो उस पर एक बार फिर से विपक्ष, क्योंकि कल जब हमने विपक्षी नेताओं से बात की थी सदन के बाद तभी उन्होंने कहा था कि हम विरोध अपना दर्ज करेंगे, पर विरोध दर्ज करने का क्या अर्थ है, ये सही तरीका है? जिस तरीके से कल भी हमने देखा था कि सदन में एक गर्मी उपस्थिति होती है महामहिम की, उसके बीच में आप पोस्टर्स को ले जाने की कोशिश करते हैं, आप नारे लगाते हैं, इस तरीके के संबोधन के द्वारा जो अभिभाषकों को रोकने की कोशिश की गई थी, उसके बाद आज धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी है उसमें भी हंगामेदार रह सकता है माना जा रहा है कि क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, जो धन्यवाद प्रस्ताव है इस पर चर्चा होगा, पूरे दिन उस पर चर्चा होनी और मंडे का दिन बहुत खास रहना है जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी, तो इसको लेके कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार अपनी नीतियों के लिए जिस तरीके से काम कर रही है, नीतियों को लेके कल अभिभाषण में बात की गई थी और राज्यपाल ने बताया था किस तरीके से बीमारू राज से उत्तर प्रदेश की उभरता नजर आ रहा है, उसमें भी काफी तेज हंगामा किया गया था। हालांकि देखना होगा कि आज जब सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव पे जब चर्चा की जाएगी उसको लेके विपक्ष, क्योंकि लगातार हमलावर है और आज वो अपनी रणनीति में क्या करते हैं और क्या एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आएगा उत्तर प्रदेश के आज के विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन, क्या इस पे चर्चा हो सकती है ये भी देखने वाली बात आएगी। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि देखिए नए नियम बनाए गए थे और ये कहा जा रहा था कि नए नियम के तहत ही विधानसभा की जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ेगी, जिसमें तख्तियां नारेबाजी सभी चीजों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो नियमों को मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सवाल ये भी उठता है कि सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया जा रहा है कि उनके मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष ने ये मन बना रखा है कि वो सदन को नहीं चलने देंगे, नारेबाजी करते रहेंगे। देखिए अच्छा, कल जब तस्वीरें सामने आई थी सबसे पहली तस्वीर थी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया था, उनका पहला ही ये संबोधन में प्रभु श्री राम की का था जिसे प्राण प्रतिष्ठान हुआ है उसको लेके धन्यवाद प्रकट किया था नरेंद्र मोदी को लेके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उसके बाद लगातार जिस तरीके से सदन की कार्रवाई को लेकर कहा था, क्योंकि कार्य समिति की जब बैठक हुई थी या जब संवैधानिक बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलने दी जाएगी, सभी सदस्यों को उनके क्षेत्र के विकास के लिए उनकी जो समस्याएं हैं उनको सदन के पटल पर रखने की अनुमति दी जाएगी, सबकी बात भी सुनी जाएगी, चाहे सदन को आगे बढ़ाया जाए इसको में भी कहीं पीछे नहीं हटा जाएगा। उसके बाद हमने देखा था तस्वीर देखी थी कि मुख्यमंत्री का संबोधन होना था, उसके पहले ही जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक थे, मुख्य सचेतक मनोज पांडे और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में जो प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहाँ पे पोस्टर और बैलेट ले पोस्टर और बैनर लेके आ गए थे और उन्होंने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की थी। उसके बाद जब अभिभाषण था महामहिम राज्यपाल का तो सबने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से उनके बीच में अभिभाषकों के बीच में ही नारेबाजी करना और उनको गो बैक तक के नारे संबोधित करना था, तो कहीं ना कहीं एक स्पष्ट दिखता है कि आप
सदन चलने की फिराक में नहीं है, आप सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं, वरना अगर आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बात पे चर्चा करनी है, तो चर्चा के लिए सरकार ने नीति बनाई है, नीति के तहत अपने प्रश्न जो है वो पटल पर रखें, उन पर चर्चा की जाएगी, चाहे वो आपके क्षेत्र से विकास के लिए हो, चाहे आम जन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, उसको पटल पर रखें, उस पर सुनिश्चित रूप से नियमपूर्वक उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर सुना भी जाएगा। इसका आश्वासन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिया था, खुद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश माना, उन्होंने भी इस बात पर कही थी कि सभी सदस्यों का सम्मान है, सभी सदस्यों की कोई भी बात को अनसुना नहीं कहा जाएगा, क्षेत्र से जुड़ी हो, विकास से जुड़ी हो, आमजन से जुड़ी हो, उन सबका पटल पर रखा जाएगा। पर आज दूसरा दिन है, देखना होगा क्या अभिभाषण के बाद जब आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, तो क्या एक बार सदन चलने की जो कार्रवाई है उसमें सहयोग देता है विपक्ष की नहीं देता है कि हंगामे भेंट चढ़ेगा, ये कब से कुछ देर में पता चलेगा जब 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। जी जी मनीष, क्योंकि देखिए कल भी जैसा कि हमने तस्वीरें देखी थी कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले किस प्रकार से सपा के जो नेता है, सपा के जो कार्यकर्ता है, वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, तमाम तरह की नारेबाजी लगाते हुए नजर आ रहे। क्या लगता है कि आज भी इस प्रकार का धरना और नारेबाजी देखने को मिलेगी? और इतना ही नहीं, हमने देखा भी कि कल भी देखा कि किस प्रकार से सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जितने भी सवाल उठाए जाएंगे हम उनका कड़ी यानी कि पूरी आक्रामक तरीके से हम उसका जवाब भी देंगे, कहीं ना कहीं वो रुख भी आज सदन में देखने को मिल सकता है। देखिए जब विधानमंडल की दल की बैठक होती है और जिससे किसे चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, विपक्ष की पुरजोर कोशिश रहती कि उनकी जो नीतियां हैं, जो उनके आश्वासन हैं, जो काम कहीं पे अगर कम हुआ है उसको घेरने की कवायद की जाए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उसको किस तरह से बचाव किया जाए, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जब विधानमंडल बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई थी लोकसभा में, माफ़ करिएगा लोकभवन में, तो उसको लेकर पूरी निश्चित तौर से उस पर पूरी कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया, तो कहा गया था कि सभी मंत्री अपने विभागों की पूरी तैयारी के साथ आएंगे, विपक्ष के जो जवाब होंगे उनको, जो सवाल होंगे उनको माकूल जवाब दिए जाएंगे, किसी तरीके से कहीं पे भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो विपक्ष होगा अगर उसके मुद्दे आम जन से जुड़े हुए हैं उन पर भी हम जवाब देंगे, कोई उनके प्रश्न आते हैं क्षेत्र के विकास के लिए या फिर उनके जो लोकसभा सदस्य हैं चाहे विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें कोई उनसे जुड़ी कोई समस्या है उसको ले भी हम जवाब दे ही दी जाएगी, पर उसके लिए सदन चलना जरूरी है, सदन की कार्रवाई जरूरी है। अगर आप कार्रवाई नहीं करने देंगे, आप सदन को चलने नहीं देंगे, तो निश्चित तौर से जो आमजन के जिन आमजन ने आपको प्रतिनिधि के तौर पर चुना है, अगर आप उनके प्रश्न नहीं रखेंगे, उनके प्रश्न में सुनवाई नहीं करेंगे, उनके जन समस्याओं के जुड़ी समस्या नहीं रखेंगे और सदन नहीं चलने देंगे, तो निश्चित तौर से वो एक बेईमानी होगी, ना केवल अपने आप से बल्कि जिस जनता ने आपको चुना उस जनता के प्रति भी आपकी बेईमानी होगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि सदन चले, सदन पूरे दिन चले, और अगर मुद्दे होते हैं और पटल पर रखे जाते हैं तो उसके लिए सदन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल मनीष, और लगातार सरकार का ये प्रयास भी है कि सदन जो है वो सकारात्मक रूप से चले, और विपक्ष को भी साफ तौर पर ही कहा गया है कि उनके जो सवाल हैं, उनके जो मुद्दे हैं, वो सदन में वो सकारात्मक तरीके से उठाएं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।